plenty of potential. Tanya ko din bhar ke baad kuch pal ke liye hi sahi. Samandar kinare baithna bahut pasand tha. Wo aksar apne ghar se 15 minute ki duri par samandar ke tat par jaakar baith jaya karti. Saath hoti uski ek diary. डायरी में तानिया अपने दिन भर के ख्याल उतार दिया करती. आज सुबह उसने माँ के साथ लड़ाई कर ली थी, दोपहर तक अजॉय के साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, इसलिए अब वो यहाँ एक बार फिर समंदर किनारे अपनी डायरी के कोरे पन्नों को नीली स्याही से भर रही थी. सूरज की ढलती किरणों से मन में सुकून छा जाता है. समंदर की लहरों का शोर कभी जिंदगी की पहेली सुलझा जाता है. सुनने में तानिया की लिखाई बेहद ही संगीन थी और वाकई में तानिया की जिंदगी भी ऐसी ही थी. तानिया की माँ उसकी शादी करा देना चाहती थी. बस इसी बात पर सुबह सुबह तानिया और उसकी माँ के बीच हो गई बहस. तानिया की माँ बस उसे इतना कह रही थी कि अब तुम शाम के वक्त घर टाइम से आ जाया करो, क्योंकि लड़के वाले जो है वो घर आना शुरू करने वाले हैं. तानिया ने अपनी माँ से सीधे कह दिया, मैं अपना खर्चा खुद संभाल सकती हूँ, इतनी कमाई मैं कर लेती हूँ और मुझे शादी नहीं करनी. दोनों बातें बिल्कुल झूठ. तानिया की कमाई बहुत ही कम थी. वो तो उसे अजॉय थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था हर महीने अपना खर्चा निकालने के लिए. और शादी के लिए मना वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो किसी और को पहले से पसंद कर चुकी थी. कितना खूबसूरत होता है प्यार का एहसास. उसकी मुस्कुराहट में उसका इकरार. वो है तो हर लम्हा हर पल लगे खास, और वो नहीं तो उसका इंतज़ार. ये वाली कविता तानिया ने उस दिन लिखी थी, वहीं समंदर के तट पर बैठे बैठे, जिस दिन वो पहली बार तुषार से मिली थी. तुषार सर, उसका बॉस, जिसने उसे उसकी नौकरी दी थी ये कहकर कि यू आर परफेक्ट फॉर द जॉब. यानी तानिया में उसने कुछ तो नोटिस किया ही था. उसे वो परफेक्ट लगी थी. यंग था, डैशिंग था और उसके कैफे का मैनेजर था तुषार, और तानिया का वन ट्रू लव भी था तुषार. वो तो अपनी माँ को बता देती कि शादी वो सिर्फ तुषार से करेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, तुषार को इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना तानिया और उसके इस ख्याली शादी के बारे में और ना तानिया के फीलिंग्स के बारे में. उसने तो अपनी कैफे के लिए कोई एक एम्प्लॉय हायर करनी थी, और उसे कोई ऐसी एम्प्लॉई चाहिए थी जो बच्चों का दिल बहला सके, मिकी माउस, डैफी डक जैसे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर उनके साथ नाच गाना कर सके. और इस काम के लिए उसे तानिया परफेक्ट लगी थी, क्योंकि तानिया को देख के वो ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हुआ था. उसके मन में ख्याल था कि ऐसा चेहरा कोई ना भी देखे तो कुछ मिस नहीं करेगा, सुंदर होती तो मुझे बुरा भी लगता, बट शी इज़ परफेक्ट फॉर द जॉब. तुषार की छोटी सी सोच में तानिया की खूबियां और उसका पोटेंशियल कभी फिट भी नहीं होता. वो तानिया की पसंद था लेकिन तानिया के काबिल बिल्कुल भी नहीं. पर अजॉय, तानिया के बचपन का दोस्त, उसकी सोच अलग थी. वो बचपन से जानता था कि तानिया किसी भी चीज़ को अगर ठान ले तो पूरे मन से मेहनत करके उसे पा ही लेती है. तानिया स्मार्ट, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी और सुंदर भी. अजॉय की नज़रों ने तानिया में कोई खामी पाई ही नहीं थी, क्योंकि अजॉय के दिल में तानिया के लिए प्यार था. पर तानिया के लिए वो उसका दोस्त था जो उसे पैसे उधार दिया करता, और हाँ, जिसे वो तुषार के बारे में हर बात बताया करती. अजॉय अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखकर अपनी इस दोस्त की मदद करता रहा. लेकिन एक दिन तानिया से अपनी फीलिंग्स अपने दिल में अब रखी नहीं गई. एक वैलेंटाइंस पर अपने कैफ़े के कुछ और एम्प्लॉयज़ के इनकरेज करने पर उसने मौका देखकर तुषार के लिए एक महंगी सी घड़ी खरीदी, और बड़ी प्रैक्टिस करके उसने आखिर तुषार से जाके कह ही दिया, तुषार, वुड यू लाइक टू स्पेंड अ लाइफ टाइम टुगेदर विद मी. तुषार ने घड़ी देखी, तानिया का मुंह देखा और अपने फ़ोन पर से उसकी एक फ़ोटो खींची. दरअसल तानिया अपने डैफी डक के कॉस्ट्यूम में थी और डैफी डक का भारी सा चेहरा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. तुषार ने तानिया की ये जो फ़ोटो ली थी वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फॉरवर्ड कर दी, और साथ में वॉइस नोट भी रिकॉर्ड किया वहीं तानिया के सामने. स्वीटहार्ट, सी दिस,
If you don't meet me today, I'm going to have to spend my Valentine's with this cartoon. अगर आज तुम मुझे मिलने नहीं आई तो मैं अपना दिन इस कार्टून के साथ बिता दूंगा. और अपनी गर्लफ्रेंड का जब उसे रिप्लाई मिला तो वो पढ़कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. तानिया वहीं खड़ी थी. वो बड़ी हिम्मत करके तुषार से अपने दिल की बात कहने गई थी. उसे लगा था कि तुषार की आंखों में उसने अपने लिए प्यार देखा था. उसे नहीं पता था कि तुषार पहले से ही किसी के साथ था, और उसे ये भी नहीं पता था कि तुषार के लिए वो एक कार्टून थी. उसने अपने कॉस्ट्यूम का चेहरा पहना और दिन भर बस रोज़ की तरह काम में बिता दिया. बच्चों को हंसाया, उनके साथ सेल्फीज़ ली, खूब नाची. इतने भारी फेस मास्क के पीछे आंसू किसे देखते हैं. शाम को तुषार की गर्लफ्रेंड आई और दोनों कैफे से बाहर निकल रहे थे डिनर के लिए. जाते जाते तुषार और उसकी गर्लफ्रेंड तानिया से एक सेल्फी खिंचाने चले गए, उसके कॉस्ट्यूम में ही. उसी वक्त वहाँ अजॉय भी आया अपनी दोस्त का हाल चाल पूछने. लेकिन जब उसने ये सब होते हुए देखा तो वो काफ़ी परेशान हुआ. तानिया के पास गया, उससे कहा, तानिया तुम ठीक तो हो? ये सब क्या था? तानिया ने रोते हुए मास्क उतारा और अजॉय को सब कुछ बताया, कैसे एक ही दिन में उसका मजाक भी बन चुका था और दिल भी टूट चुका था. पता है अजॉय, मुझे लगता था कि ये नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया. मैं गलत थी. ये नौकरी मेरे लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है, सबकी इज्जत करो, चाहे वो इंसान कितना बड़ा कार्टून ही क्यों ना हो, क्योंकि उस कार्टून की भी फीलिंग्स होती हैं. और तानिया रो पड़ी. अजॉय ने उसे संभाला. उसका दिल तानिया के दिल के साथ टूट रहा था, लेकिन वो तानिया की हिम्मत बंधाए जा रहा था. जल्द ही तानिया ने सामने वाली कॉफ़ी शॉप ज्वाइन कर ली एज अ वेट्रेस. उसने मेहनत और लगन से काम किया, यहाँ से जो सीखा था और वहाँ से जो सीखा था. कुल मिला के कुछ सालों के बाद वो उस कैफ़े की मैनेजर बन चुकी थी. फिर एक दिन यूँ हुआ कि तानिया अपने कैफ़े से निकल रही थी और सामने तुषार भी अपने कैफ़े से निकला. तुषार ने जब तानिया को देखा तो वो उसके पास आया. उसने उससे कहा, देखो मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम्हारा कितना भला हो गया है, कुछ बन तो गई तुम, वरना मुझे तो लगा था कि जिंदगी भर तुम बस ये मिकी माउस क्लब हाउस की मेंबर ही बनी रहोगी. तानिया ने तुषार से कहा, तुषार तुम तब भी गलत थे और आज भी गलत हो. मैं हमेशा से पोटेंशियल रखती थी, वो तो तुम मुझे थोड़े वक्त के लिए क्यूट लगे थे तो मैंने अपने करियर के प्लान्स को साइड में पार्क कर दिया था तुम्हें टाइम देने के लिए, और वो इन्फैचुएशन कब का एवेपोरेशन में घुल मिल चुका है. वो वहाँ से चली गई और तुषार वहीं खड़ा रहा. उस शाम जब तानिया, उसकी माँ और अजॉय एक साथ खाना खा रहे थे तो एक बार फिर तानिया की माँ ने वही पुरानी शादी की बात छेड़ दी. लेकिन इस बार तानिया ने मना नहीं किया, वो शादी के लिए तैयार थी. बस उसकी एक शर्त थी कि शादी करेगी तो सिर्फ एक लड़के से, अजॉय. अब फिर कई सालों के बाद तानिया फिर समंदर किनारे आकर के बैठी कुछ लिखने के लिए. दोस्त ने मुझे ऐसा अपनाया, दोस्ती में मैंने संसार ढूंढ लिया. दोस्त ने साथ ऐसा निभाया, दोस्ती में मैंने प्यार ढूंढ लिया.